हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सावीज रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी एग फ्राइड राइस, जो कि फटाफट 5 मिनट में बन जाता है और आप कभी भी इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बाउल में मैंने 2 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है। इसमें पानी डालकर इसे धो लेंगे और साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए सोख होने के लिए। यहाँ चावल का 4 गुना 8 कप पानी रखा है गरम करने के लिए। इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे और सोख किए हुए राइस हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। राइस बीच बीच में चेक करते रहेंगे। राइस हमें 80% ही कुक करना है। 80% कुक होने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पूरा निकाल देंगे। हमें फ्राइड राइस में भी राइस ये पकेगा, तो इसीलिए पूरा नहीं पकाना है। राइस 80% कुक हो गया है, अब इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। मैंने छन्नी में निकाला है। अब पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ से हम पूरी कुकिंग मीडियम फ्लेम पर करेंगे। अब इसमें 5 बड़े साइज के एग डालेंगे। अगर आपने जो एग्स लिए हैं वो छोटे साइज के, तो आप 6 भी ले लीजिए। 2 कप राइस के लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर 5 अंडे, इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर लगभग मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें, और इसे अच्छी तरह से स्क्रम्बल कर लेंगे इस तरह से। ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है अंडे, नहीं तो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। ये कच्चे में ही मिक्स करेंगे ना, तो काफ़ी मॉइस्ट और सॉफ्ट रहते हैं। तो देखिए, इस तरह से स्क्रम्बल कर लिया है। अब यहाँ पैन में 3 बड़े चम्मच तेल ले रही हूँ मैं। इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, और 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई। यहाँ पर 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाला मैंने, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब 1 छोटे साइज की कटी हुई शिमला मिर्च, ये लगभग 1/2 कप के आसपास है ये शिमला मिर्च कटी हुई। अब यहाँ ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन वाइट। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हमने राइस में भी डाला है नमक, वो याद रखना है। फिर यहाँ 1 बड़ा चम्मच काले मिर्च का पाउडर, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस ऐड कर रही हूँ मैं। ये शिमला मिर्च प्याज वगैरह हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, तब इसमें राइस ऐड कर देंगे। राइस पूरा नहीं पकाया है, उसकी वजह से देखिए राइस कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल खुले खुले एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे ये जो स्क्रम्बल्ड एग है हमारा, ये ऐड कर देंगे। अब एग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये फ्राइड राइस बहुत जल्दी बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा स्प्रिंग ऑनियन, हरा प्याज कटा हुआ। हरा प्याज डालने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, मीन्स फ्लेवर बहुत एनहांस होता है इसका, फ्राइड राइस का। तब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा फ्राइड राइस लग रहा है ये। आपको भी नेक्स्ट टाइम फ्राइड राइस खाना हो तो आप घर पर बनाकर खा सकते हैं। अब ये राइस बनकर रेडी है, इसका आप गैस बंद कर लेंगे। यहाँ पैन में 1 छोटा सा चम्मच तेल डाला है मैंने। इसमें अब डाल देंगे 1 एग, इस पर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा काले मिर्च का पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर। तो ये एग भी रेडी है हमारा, गैस बंद कर देंगे और सर्व कर लेते हैं। तो बनकर बिल्कुल तैयार है हमारा ये एग फ्राइड राइस, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये राइस, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। अब इसे गार्निश कर देंगे थोड़ा कटा हुआ हरा प्याज से, और इस पे रख देंगे ये जो हमने बनाया है हाफ फ्राई। ये तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में जो बेल बटन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में।